हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे अकाउंटिंग में उपयोग होने वाले शब्द, अकाउंटिंग में किस तरह के शब्द का उपयोग किया जाता है और वो शब्द कौन कौन से हैं जिनका उपयोग अकाउंटिंग में होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अकाउंटिंग में उपयोग होने वाले शब्द, देखिए अकाउंटिंग में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसका उपयोग किया जाता है, जिसमें से मैं आपको कुछ शब्द यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापार, यानी कि ट्रेड, पेशा, प्रोफेशन, व्यवसाय या बिजनेस। उसके बाद में आता है यहाँ पे माल, माल को हम बोलते हैं गुड्स, क्रय, विक्रय, राजस्व, लेन देन, नगद लेन देन, उधार लेन देन, आय, प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, व्यय, प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय, ब्याज, छूट, व्यापारिक छूट, नगद बट्टा, कमीशन, सेवा, ग्राहक, विक्रेता, लेनदार, देनदार, पूंजी, स्वामी, आहरण, संपत्ति, स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, दायित्व, स्थायी दायित्व, चालू दायित्व, अदत्त व्यय, मूल्यह्रास, वित्तीय वर्ष, एंड खाता। अकाउंटिंग में कई प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाता है, जिसमें से कुछ शब्द मैंने आपको बताए हैं। अगले वीडियो में हम इन सभी अकाउंटिंग में उपयोग होने वाले शब्दों का अर्थ जानेंगे। तो अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।